सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संहिता 20 पढ़ेंगे। विजय के लिए प्रार्थना। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। वह तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। वह तो मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सहायता युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। हे यहोवा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो महाराजा हमें उत्तर दे। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनकी दुआ प्रार्थना को सुनता है और उन्हें ऊंचे स्थान पर नियुक्त करता है। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर से सहायता मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करता है, और जब आप दुखों में होते हैं तो परमेश्वर उसमें आपको संभालेगा। परमेश्वर आपके अनबलि, होम बलि जो भी आप भेंट देते हैं तो परमेश्वर उनको ग्रहण करे। परमेश्वर आपकी मन की इच्छा पूरी करेगा और सारी युक्ति आपके जीवन में सफल करेगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है तो आप उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से आनंदित होकर परमेश्वर के लिए गाएंगे और परमेश्वर के नाम के झंडे खड़े करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा। और जब परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा तो आयत 6 में लिखा है कि परमेश्वर अभिषिक्त उद्धार करता है और वह स्वर्ग से सुनकर उत्तर देता है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहूँगी कि किसी को तो रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा होता है, परंतु जब हम विश्वासी हैं हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसका नाम लेना है। और जिन्हें रथों को और घोड़ों पर भरोसा है वे झुक जाएंगे और गिर पड़ेंगे, परंतु जो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे उठे और सीधे खड़े रहे, क्योंकि उन्हें परमेश्वर संभालता है। और जिस दिन हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारा महाराजा जो स्वर्ग में है वह हमें उत्तर देता है। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आयस से आशीष दे। आमीन।